2023 में Samsung Galaxy S22 लेना चाहिए या फिर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ S23, क्योंकि कुछ कमियां थी S22 में, जैसे कि हीटिंग इशू, बैटरी का इशू, पूरा दिन फोन नहीं चलता था। तो कितना अपग्रेड हुआ है Samsung Galaxy S23, इस वीडियो में पता करने वाले हैं। साथ ही साथ दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा और कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, S22 या S23, इन सब के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो Samsung Galaxy S22 आज के टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है आपको 57,999 का, वहीं Samsung Galaxy S23 आपको मिल रहा है 79,999 रुपीज का। तो फर्क ऑलमोस्ट यार 20,000 रुपए का है, तो कितना जस्टिफाई कर रहा है प्राइस, चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन की। तो सैमसंग ने पिछले कुछ सालों में बहुत मेजर अपग्रेड कुछ नहीं किया या फिर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है सैमसंग के फोन्स में, और सेम उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है सैमसंग गैलेक्सी S23 में। क्योंकि ये देखो आप, बस कैमरा मॉड्यूल को चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है, चाहे पंच होल डिस्प्ले हो, बेजल या फिर एल्युमिनियम फ्रेम हो, सब कुछ सेम है। डायमेंशन थोड़े अलग है हाँ, तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो S23 ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि इसमें नया गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S22 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस यूज किया गया था। बेस्ट पार्ट यह है कि दोनों स्मार्टफोन में IP68 की रेटिंग दी गई है। और बाकी आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है S23 का या फिर S22 का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट मेरे हिसाब से S23 फिर भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले की। तो दोनों स्मार्टफोन में 6.1 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2X दिया गया है, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। फर्क सिर्फ इनके पीक ब्राइटनेस में है, जहां S23 में 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है और Samsung Galaxy S22 में 1300 निट्स की। अब अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं ब्राइट सनलाइट में, बट Samsung Galaxy S23 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि पीक ब्राइटनेस में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप दोनों फोन को साथ में देखते हो तो ही आप फर्क बता पाओगे, अदरवाइज दोनों ही फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ब्राइट सनलाइट में। बाकी डिस्प्ले दोनों का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और डिसाइड करिए कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी मेरे हिसाब से दोनों यहां पे मस्त है। तो चलिए बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं कि Samsung Galaxy S23 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 दिया गया है, जिसको कि Samsung ने ऑप्टिमाइज किया है, और ये चिप सिर्फ आपको Samsung Galaxy S23 सीरीज में देखने को मिलने वाला है। वहीं Samsung Galaxy S22 में Snapdragon 8 Gen 1 दिया गया है, जिसका रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहता है। Samsung Galaxy S22 मल्टीटास्किंग को काफी अच्छे से मैनेज कर पाता है, प्लस हीटिंग इशू भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है Samsung Galaxy S22 में, जबकि Samsung Galaxy S23 में मल्टीटास्किंग को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। इनफैक्ट किसी भी तरह का कोई भी हीटिंग इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। Samsung Galaxy S23 में One UI 5.1 आता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि Android 13 पे बेस्ड है। और हाँ, अभी रिसेंटली S22 में One UI 5.1 का अपडेट आ गया है। बाकी अगर कॉल ड्रॉप की बात करें या फिर सिक्योरिटी की बात करें, तो फिंगरप्रिंट बहुत रिस्पॉन्सिव है दोनों का, फेस अनलॉक भी अच्छे से काम करता है, कोई किसी भी तरह का कॉल ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज ओवरऑल अगर बात करें तो Samsung Galaxy S23 ज्यादा परफॉर्म करता है क्योंकि हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होते हैं, किसी भी मल्टीटास्किंग को ये काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो चलिए बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। तो Samsung Galaxy S22 में 3700 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि Samsung Galaxy S23 में 3900 mAh की बैटरी। खैर 200 mAh बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड नहीं है, बट जिस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है S23 को, मान गए गुरु, क्योंकि S22 चार घंटे यूज के बाद मुझे उसको चार्ज करना पड़ जाता था, और ये केस S23 के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप एक पूरा दिन आराम से निकाल सकते हो, वो भी अगर आप हैवी यूज कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद भी आपका एक पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। तो यहां पे ना मुझे Samsung Galaxy S23 के लिए एक बात बोलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि इसको कहीं से भी ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि ये फोन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो चलिए बात करते हैं इनके कैमरा परफॉर्मेंस की। वैसे मैं मॉड्यूल की बात नहीं करने वाला हूं, मैं ऑलरेडी डिजाइन बता चुका हूं आपको, तो फिलहाल एक नजर आप स्पेक्स पे डाल लीजिए।
अभी स्क्रीन पे आपको दो फोटोज दिख रही होंगी येलो फ्लावर की, और यहाँ पे क्लियरली हमें S23 की फोटो में ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल रहा है, प्लस कलर्स भी ज्यादा पॉप कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी फोटो देखते हैं तो यहाँ रेड फ्लावर दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ S22 ने फोटो को ब्राइट रखा है, वहीं S23 की पिक थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड है। वहीं अगर डिटेलिंग की बात करें तो जैसे ही जूम करते हो आपको डिटेलिंग की कमी दिखेगी S22 में, वहीं काफी अच्छे से डिटेल्स कैप्चर किया है यहाँ पे S23 ने। इस फोटो में सब कुछ अच्छे से कैप्चर किया गया है, चाहे हम डिटेल्स की बात करें या फिर HDR परफॉर्मेंस की, बट जैसे ही इंडिया टुडे का लोगो के कलर को देखते हैं यहाँ पे S22 ने कलर को नेचुरल रखा है। वहीं अब अगर आप इस फ्लावर वाली फोटो को देखते हो तो यहाँ दिखेगा कि एक्चुअल में डिटेलिंग ज्यादा देखने को मिल रहा है S23 में, क्योंकि स्पाइडर वेब अच्छे से विजिबल है, और हाँ S22 में कलर थोड़ा ज्यादा पॉप कर रहा है और ज्यादा ब्राइट भी है एज कम्पेयर टू S23, बट ओवरऑल दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। माइनस का फर्क आपको देखने को मिल रहा है दोनों ही फोटोज में। अब अगर सेल्फीज की बात करें तो स्क्रीन पे दो सेल्फी दिख रही होंगी आपको, यहाँ अगेन डिटेल्स ज्यादा S23 में देखने को मिल रही हैं, और S22 में एक येलो टोन दिख रहा है, प्लस बालों को भी ब्राउन कर दिया है S22 ने, जबकि S23 ने इसको नेचुरल रखा है। अब अगर ये दूसरी सेल्फी देखते हो तो यहाँ पे S22 ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, प्लस डिटेल भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ थोड़ा लेटअप किया है S22 ने, बट पिक अच्छी लग रही है निधि की यहाँ पे। फिलहाल आप ये बाकी की सेल्फीज देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको इसका सेल्फी कैमरा और प्लस प्राइमरी कैमरा जिसका मैंने बात किया है। तो चलिए अब बात करते हैं नाइट फोटोज की, और यहाँ पे असली खेल होता है, क्योंकि गुरु देखो अगर अच्छी लाइटिंग है, ब्राइट लाइट है, आउटडोर है, तो फोटोज नेचुरली कोई भी फोन हो या कैमरा हो वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है, लेकिन सारा खेल जो समझ आता है वो आता है नाइट की फोटोज में। तो स्क्रीन पे अभी आपको पेपर पिन व्हील की पिक दिख रही होगी, और यहाँ क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी S23, क्योंकि बैकग्राउंड में ग्रेन्स देखने को नहीं मिल रहा है, प्लस कलर्स को काफी अच्छे से मैनेज किया है, इनफैक्ट डिटेल्स भी भर भर के हैं इन दोनों ही फोटोज में, बट ओवरऑल यहाँ पे S23 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आप इस वेबसाइट वाली बिल्डिंग को देखते हो तो भर भर के ग्रेन्स देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S22 की फोटो में, वहीं S23 में ग्रेन्स ना के बराबर है बट बहुत कम है, प्लस घोस्टिंग भी देखने को मिल रहा है S22 में, वहीं लाइट को काफी अच्छे से मैनेज किया है S23 ने। तो मैंने कुछ और भी फोटोज क्लिक की थी दोनों फोन से, तो वो आप देख लिए, जिससे कि और भी ज्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा आपको फोटोज का। कुल मिला के दोनों ही कैमरा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी S23 यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि डिटेल ज्यादा देखने को मिल रहा है, ग्रेन्स कम देखने को मिलते हैं नाइट फोटोज में, प्लस अगर कलर पॉप की बात करें, अगर काम चोरी करना है तो इसमें आप कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम चोरी कर पाओगे, फोटोज को बस क्लिक करना और अपलोड करना है, बाकी तामझाम इसका AI ऑलरेडी कर देता है। तो चलिए बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो देखो दोनों ही स्मार्टफोन गेम को बहुत अच्छे से चला देते हैं, कोई इशू नहीं आता है, बस दो इशूज हैं। पहला, स्क्रीन छोटी है तो गेमिंग में उतना मजा नहीं आता है, अगर आपको छोटी डिस्प्ले में गेमिंग कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, दोनों ही फोन कोई भी गेम हो उसको हाई फ्रेम रेट पर चला देंगे, वहां पर कोई इशू नहीं है। लेकिन एक घंटे के बाद सैमसंग गैलेक्सी S22 गर्म होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा गर्म होता है, प्लस बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन कर देता है ये, वहीं सैमसंग गैलेक्सी S23 के साथ ऐसा नहीं है, बैटरी बहुत कम ड्रेन होती है, प्लस फोन में किसी भी तरह का कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आपको गेमिंग करना है, गेमिंग प्रायोरिटी है और आपको छोटा डिस्प्ले चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी S23 यहाँ पे आपके लिए ज्यादा अच्छा फिट बैठता है। तो चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी S23 या फिर S22। तो भैया देखो अगर बजट आपका 80,000 का है तो मेरे हिसाब से आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 आंख बंद करके लेना चाहिए, छोटा फोन है, पावरफुल है, बैटरी पूरा एक दिन आराम से चल जाता है अगर आप हैवी यूज करते हो तो भी, प्लस डिस्प्ले बहुत अच्छी है, फोन में ऐसा कोई इशू नहीं है, और साथ ही साथ वन UI टाइम बाय टाइम और इवॉल्व हुआ है और अच्छा ही हुआ है। सो मेरे हिसाब से S23 आप खरीद सकते हो अगर 80,000 का बजट है तो। अब बात आती है सैमसंग गैलेक्सी S22 का, तो भाई ये फोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी सेंस में। अगर आपका बजट 60,000 का है तो मेरे हिसाब से आपको OnePlus 11 लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, प्लस अगर ये फोन आप खरीदते हो ना तो दिन में आपको 3 बार इसको चार्ज करना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। बाकी ये कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अगर किसी फोन का और आप कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दिए, हम उसको जरूर कवर करेंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।